सो इट्स अ वेरी स्पेशल वीडियो क्योंकि इसमें मैं 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, आज आपको 11 सॉल्यूशंस देना चाहता हूं। जब कभी आप मुश्किलों में घिर जाएं, इन 11 में से कोई भी एक चीज ट्राई करिएगा और वो आपको बेटर फील कराएगी, आपको आगे बढ़ने में, मूव ऑन करने में मदद करेगी। जब तक आपकी और मेरी जिंदगी चलेगी ना, तो एक चीज आपके और मेरे साथ हमेशा चलने वाली है, और वो पता क्या है? जिंदगी के चैलेंजेस, जिंदगी की परेशानियां, जिंदगी की मुश्किलें। जब तक आप और मैं जिएंगे और जब तक हम में से कोई भी जिएगा, वो इसके साथ ही जिएगा। मुश्किलें, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, ये जिंदगी का अभिन्न अंग है, साथ साथ रहने वाली हैं। ये खत्म हो जाएं इसकी उम्मीद मत करो और इसकी प्रार्थना मत करो। अगर किसी एक चीज के लिए काम कर सकते हो तो वो सिर्फ ये देखो कि मुश्किलों को हैंडल कैसे किया जाता है। सो इट्स अ वेरी स्पेशल वीडियो क्योंकि इसमें मैं 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, आज आपको 11 सॉल्यूशंस देना चाहता हूं। और ये 11 मेरे सुझाव हैं। जब कभी आप मुश्किलों में घिर जाएं, इन 11 में से कोई भी एक चीज ट्राई करिएगा और वो आपको बेटर फील कराएगी, आपको आगे बढ़ने में, मूव ऑन करने में मदद करेगी। तो जल्दी से एक एक करके, जब आप मुश्किलों में घिरे हों तो कौन कौन से काम आप कर सकते हैं, मेरी तरफ से क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, ऐसी 11 रिकमेंडेशन दे रहा हूं। लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा और 11 की 11 को समझिएगा और 11 में से जो आपको सबसे शानदार लगे उनको अडॉप्ट करना, इंप्लीमेंट करना, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। पहली चीज, व्हेनेवर यू फील यू आर स्टक, उठिए और वॉक करना शुरू करिए। फर्स्ट थिंग इज वॉकिंग। वॉकिंग इज इनक्रेडिबल। वॉकिंग हेल्प्स यू क्लियर योर माइंड और ये आपको सोचने का समय देती है, थिंक करने के लिए स्पेस देती है। और एक और खास चीज, आप कभी भी कोई बोलता है ना कि आपको खराब लोग मिल गए, खराब सिचुएशन में आप थे, तो आपको क्या बोला जाता है? वॉक आउट ऑफ दैट, वॉक आउट ऑफ दैट। यू नो, आई वॉज विद जॉन ग्रिंडर इन पोर्चुगल, यूरोप में था मैं जॉन ग्रिंडर के साथ। जॉन ग्रिंडर हैं NLP के क्रिएटर और पिछले करीब 45 सालों से ही हैज बीन टीचिंग प्रैक्टिसिंग NLP एंड आई एम ए मास्टर NLP प्रैक्टिशनर फ्रॉम जॉन ग्रिंडर। और उन्होंने मुझे क्या बोला, हर एक प्लेस की अपनी एक एनर्जी होती है, हर एक मोमेंट की, हर एक पोस्चर की अपनी एक एनर्जी होती है। व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग, सडनली आपकी एनर्जीज बदलने लगती हैं, आप जगह बदल लेते हैं, आपकी मोशन और मूवमेंट बदलने लगती है। और जब आपकी जगह, आपकी मोशन, आपका पोस्चर बदलता है ना, तो आपके इमोशंस भी बदलने लगते हैं। तो इफ यू फील यू आर स्टक, वेरी सिंपल, स्टार्ट वॉकिंग, चलना शुरू कर दीजिए। और जब जब आपको लगे आप मुश्किलों में घिरे हैं, दूसरी एक कमाल की चीज आप कर सकते हैं, मैंने बहुत साल इस पे काम किया है, लाखों लोगों को इस पे मैंने ट्रेन किया है, दैट इज ब्रीदिंग, सांस लेना। मैं आपको सांस को कुछ करने को नहीं बोल रहा हूं, यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व, यू नीड टू जस्ट वॉच योर ब्रेथ, बस उसकी अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ योर इनहेल, योर एक्सहेल, कुछ और मत करिए, किसी और चीज के बारे में मत सोचिए। विचार आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और किसके बारे में आप सोच रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, जेलसी कर रहे हो, एंग्री हो, फ्रस्ट्रेटेड, डोंट वरी अबाउट इट। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपनी इनहेल, जब आप सांस अंदर लेते हैं उसको ऑब्जर्व करिए और अपने एक्सहेल को ऑब्जर्व करिए, बस जस्ट ऑब्जर्व दिस। और अगर आप चाहें तो इस पर गिनती भी कर सकते हैं, इनहेल 1, एक्सहेल 2, इनहेल 3, एक्सहेल 4, इनहेल 5, एक्सहेल 6, कीप डूइंग इट। हो सकता है बीच बीच में आपका यह ध्यान इधर से उधर भटक जाए, कोई बात नहीं, वापस से 1 से शुरू कर दीजिए, वापस से 1 से शुरू कर दीजिए। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। दिस सिंपल एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग एंड बीइंग माइंडफुल ऑफ योर ब्रीदिंग विल चेंज योर स्टेट इन लाइक 5 मिनट, दैट्स इट, इट्स सो फास्ट। और मेरी तीसरी सलाह आप सबसे, टेक अ ब्रेक, ब्रेक ले लो यार एक। जब आप थक जाते हैं ना, क्विट मत करो मेरे दोस्त, रेस्ट कर लो। जब आप थक जाते हो, when you are tired, don't quit, rest, take a break। एक आध दिन की छुट्टी ले लो, 2 दिन की छुट्टी ले लो यार। Do things that you really love doing, do things that you really love doing, take a break। When you take a break ना, so many new things, so many new possibilities will start appearing in your life। कई बार एक छोटा सा ब्रेक ना, एक दिन का ब्रेक या कुछ घंटों का ब्रेक या 2 दिन का ब्रेक आपको अगले कई दिनों के लिए, अगले कई हफ्तों के लिए रिचार्ज, रीएनर्जाइज कर देता है। चौथी चीज, ये तो काम करेगी करेगी, गारंटेड है, किसी अजनबी की थोड़ी मदद कर दो, हेल्प अ स्ट्रेंजर, गिव समथिंग टू अ स्ट्रेंजर, मतलब टोटल स्ट्रेंजर, जो आज से पहले आपको कभी नहीं मिला हो, दोबारा भी शायद आपको कभी नहीं मिलेगा, बट व्हेन यू गिव
उफ, दिस इज माइंड ब्लोइंग। दिस सिंपल एक्ट ऑफ गिविंग इज द बिगेस्ट पीस गिवर। आपको सबसे बड़ा सुकून, सबसे बड़ी शांति उससे मिलती है। और मैं स्ट्रेंजर क्यों बोल रहा हूँ, जब आप इस हाथ से देना तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दिया है। याद रखिए, देने का नियम आप याद रख लीजिए। जब आप इस हाथ से दें तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ दिया है। अ गिवर विल नेवर बी सैड। देने वाला कभी उदास नहीं होगा। यार जब आप देते हैं ना, यू फील वार्म इनसाइड। गिविंग गिव्स यू लॉट ऑफ जॉय, मीनिंग, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। एंड आई एम सेइंग गिव इट टू अ स्ट्रेंजर, गिव इट टू अ स्ट्रेंजर। पांचवा सबसे जरूरी चीज, आपके साथ हालात कैसे भी रहे लेकिन इसको मत भूलिएगा, चेक योर सेल्फ टॉक। चेक योर सेल्फ टॉक। हमेशा पूरा समय आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, इंटरनली आप अपने आप से बातें करें। आई नो पीपल जो स्टेज पे बात करते करते भी अंदर में अपने आप से बातें करते हैं। मीटिंग में आप कभी भी देखिएगा, एक इंसान बात कर रहा है, दूसरा सुन रहा है, लेकिन वो सुनने की एक्टिंग जैसा कर रहा है, उसके अंदर अपने थॉट्स चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। जिंदगी में एक चीज खराब हुई तो मतलब इसका ये नहीं कि सब कुछ खराब हो गया। एक इंसान ने आपके साथ में अगर कुछ ऐसा कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं यार हर इंसान खराब हो गया, आपकी किस्मत खराब है, हमेशा ऐसे ही होता है। यू नो दिस इज अ नेगेटिव स्पाइरल, दिस इज अ नेगेटिव लूप। आप कभी भी उधर नहीं जाने चाहिए। एक खराब चीज, सब कुछ खराब है, आपको इस लूप में नहीं लेके जाने चाहिए। सो यू नीड टू वॉच योर सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक, पेसिमिस्टिक सेल्फ टॉक, ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ाएगी। छठा काम जो आपको कमाल का सुकून देगा, अगर आप कभी भी परेशानियों में घिरे हों तो गो इनटू नेचर, प्रकृति में चले जाइए। आई मीन इफ पॉसिबल गो इनटू ग्रीन एरियाज, यू नो ट्रीज हैं वहाँ, सराउंडिंग हैं, पक्षी हैं, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस फ़ोन को अवॉइड करिएगा। एंड जस्ट बी देयर, रिमेंबर दिस, जस्ट बी देयर, बस उधर रहो खाली, बस यार राइट, अपने आप के साथ रहो, उस सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो। यू विल कम बैक आफ्टर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स, एस लाइक यू नो, बहुत सारे सुकून और शांति के साथ आप आएंगे। सातवां एक और काम आप कर सकते हैं, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं, मुश्किलों में घिरा महसूस कर रहे हैं, मेक ए लिस्ट ऑफ गुड एंड पॉजिटिव, मेक ए लिस्ट ऑफ गुड एंड पॉजिटिव। सो एक डायरी, एक पेन ले लें और एक लिस्ट बनाना शुरू करें कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छा हो रहा है, क्या क्या अच्छा शानदार हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, बेमिसाल हो रहा है। आप में से बहुत लोग बोल सकते हैं, मैं ऑलरेडी मुश्किल में हूँ, मेरा दिमाग ऑलरेडी काम नहीं कर रहा है, और आप बोलते हैं कि तू पेन पेपर उठा और लिखना शुरू कर। बट उसके बाद मुझे मालूम है आप मुश्किलों में, मुझे मालूम है आप परेशानियों से घिरे हैं, उसके बाद भी ये चीज़ कमाल का काम करेगी। पहला, एक पॉजिटिव ढूंढने में समय लग सकता है, दूसरे वाला शायद समय ले लेगा, तीसरा शायद समय ले लेगा, बट उसके बाद में आपकी जो लाइन लगेगी ना, वो आपको इतना कमाल का फील कराएगी आप यकीन नहीं करेंगे। हैव फेथ ऑन मी एंड जस्ट स्टार्ट मेकिंग ए लिस्ट ऑफ ऑल द गुड एंड पॉजिटिव्स। देखिए, रूल बहुत सिंपल है, अगर आप कुछ चीज़ों के लिए भगवान का शुक्रगुजार करते हैं, इफ़ यू फील ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग गोइंग राइट इन योर लाइफ, यूनिवर्स विल गिव यू मैनी मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। इट्स वेरी सिंपल। आठवां, वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी लिटिल टफ टू डू, बट कंप्लीट टास्क एट हैंड। कुछ काम ऐसे होंगे जो जरूरी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बिना कोई और नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वेट नहीं कर सकती। सो इफ देयर इज सम इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी डन, आपका मूड कितना भी खराब है, आप इमोशनली कितना लो महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ काम ऐसे हैं जो करने ज़रूरी हैं, तो उन कामों को ज़रूर करिए एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। धीरे धीरे चलो चलेगा यार, लेकिन चलते रहो। लाइक मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब एक कमाल की चीज़ बोलते हैं कि अगर उड़ नहीं सकते ना यार तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो कम से कम पैदल चलो, चल नहीं सकते ना क्रॉल करो, घिसटना भी अलाउड है, लेकिन हर पल हर मोमेंट अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाओ। चुपचाप बैठना, खाली बैठना, काम ना करना और अपने साथ उन नेगेटिव विचारों के साथ रहना, ये प्रॉब्लम्स को कम नहीं करेगा मेरे दोस्त, प्रॉब्लम्स को सिर्फ बढ़ाएगा। स्टेग्नेंसी विल ओनली इंक्रीज योर प्रॉब्लम्स, रिमेंबर दिस, स्टेग्नेंसी विल ओनली इंक्रीज योर प्रॉब्लम्स। नौवीं खास सलाह, और मेरी तरफ से ये बहुत जरूरी है, प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज। बहुत बार जिंदगी में ना हम कामों में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हम लोग ये चेक भी नहीं करते हैं कि यार क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है। हम ऐसे कामों को करने में मसरूफ हुए घूमते हैं, व्यस्त हुए घूमते हैं, जो काम हमें कोई परिणाम भी नहीं देते हैं। ऐसे कामों को करना बंद कर दीजिए। थिंग्स दैट आर टेकिंग योर टाइम एंड एनर्जी,
यू नीड टू स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर, बट आदत की वजह से आप लगातार करते चले जाते हैं। तो कभी कभी लाइफ में जब रुकावटें आती हैं, जब चीज़ें अपने हिसाब से काम नहीं करती हैं, आप लो फील कर रहे हैं, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस टाइम टू प्रायोरिटाइज एंड सेट योर प्रायोरिटीज राइट। दो और चीज़ें बोलूँगा और ये कमाल की हैं, मैंने मेरे साथ सैकड़ों बार अप्लाई करी हैं। दसवां सजेशन, अगर आप मुश्किलों में हो तो स्लीप, सोना। आई मीन स्लीप वर्क्स लाइक मैजिक यार, नींद है ना जादू के जैसा काम करती है। रेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, रेस्ट हैज गॉट अमेजिंग बेनिफिट्स। लाइक एक दो तीन नहीं, सैकड़ों रिसर्च की गई हैं कि एक अच्छी नींद आपको कमाल का बेहतर मूड, एनर्जी, इमोशंस एंड लॉट ऑफ अदर साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स देती है। अगर आपको लग रहा है आप थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है ना यार उतने थके नहीं है, देन ऑल्सो स्लीप फॉर सम टाइम, रेस्ट सम मोर। 7 से 8 घंटे के लिए सोना इज रियली गुड फॉर योर माइंड, फॉर योर बॉडी, फॉर योर इमोशंस, फॉर योर हार्ट। सो स्लीप इज अ मैजिक थेरेपी। 11वां और लास्ट इज जर्नल। आप डायरी लिखिए, वो जो डायरी पे आप लिखे हैं उन पेजेस को आप रखेंगे जिंदगी भर के लिए, नहीं रखेंगे दैट इज योर डिसीजन। बहुत बार मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे लगा यार इन सब चीज़ों को लिख देते हैं, लेकिन वो लिखने के बाद किसी के काम आने वाली नहीं है, मैंने उठाया उनको फाड़ दिया और छोड़ दिया। मैंने लिखा खराब, मेरा पूरा गुस्सा उधर निकाल दिया एंड देन उसको फाड़ा, उसको जला दिया एंड फिनिश्ड इट। आप डिसाइड करो कैसे करना है, बट लिखना, राइटिंग गिव्स यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। सो ये मेरी तरफ से 11 सुझाव हैं और मैंने जिंदगी में पर्सनली इन 11 के 11 को ट्राई किया और 11 के 11 कमाल का काम करते हैं। आपको जो इनमें से सबसे अच्छा लगे आप उसको इंप्लीमेंट करिए। दो काम आप करो, आप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में हो तो इसका मतलब यह है कि आप जिंदगी में यार आगे तो बढ़ना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, प्रगति करना चाहते हो। अब दो काम करिए जिससे आपकी प्रगति सुनिश्चित हो जाएगी। नंबर 1, इंप्लीमेंट। इस 11 की लिस्ट में से टॉप 3 छांट लीजिए और उनके पीछे पड़ जाइए, इंप्लीमेंट दम। इंप्लीमेंटेशन इज द गेम चेंजर। एंड नंबर 2, स्प्रेड द गुड न्यूज। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी ना कभी मुश्किलों में घिरता नहीं है। आपके पास अब एक वीडियो है जिसमें मुश्किलों से निपटने के और मुश्किल हालातों में क्या करना है उसके 11 सॉल्यूशन है। वीडियो आपने बनाया नहीं है लेकिन शेयर कर सकते हैं, और मेरी बेटी बोलती है शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? सो शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। आई डोंट नो ये वीडियो किसको कब किस हालात में मिलेगा, उन्होंने शायद इस वीडियो की आपके और मेरे से ज़्यादा ज़रूरत होगी, राइट? सो शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल वेयर एवर यू कैन, एंड रिमेंबर आप कमाल करने के लिए बने हैं एंड आई एम लिविंग विद 1 सिंगल मिशन, आई वॉन्ट सी यू एट द टॉप। मैं आपको चमकते हुए देखना चाहता हूँ। सो लव यू गाइज, कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग। आइए मिलकर इस दुनिया को और बेहतर बनाते हैं, राइट? लेट्स मेक दिस वर्ल्ड बेटर टुगेदर। लव यू।